राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी। इसके बाद से हर साल आरएसएस दशहरा उत्सव मनाता है। यह तो दशहरा उत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में होता है, लेकिन मुख्य आयोजन आरएसएस मुख्यालय नागपुर में होता है। इस बार संघ 96वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर नागपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहे। मोहन भागवत ने पहले शस्त्र पूजन किया, इसके बाद मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपना 96वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हिंदी तिथि के मुताबिक विजयादशमी के दिन ही 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आरएसएस की अलग अलग शाखाओं पर स्थापना दिवस मनाया जाने लगता है। विजयादशमी के दिन नागपुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहे। मोहन भागवत ने पहले शस्त्र पूजन किया, इसके बाद मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। इस दौरान मुंबई स्थित इजरायली महावाणिज्य दूत कोम्बी शोशानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वह बतौर गेस्ट यहाँ पहुंचे थी। अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि यह वर्ष हमारी स्वाधीनता का 75वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हुए। हमने अपने देश के सूत्र देश को आगे चलाने के लिए स्वयं के हाथों में लिए स्वाधीनता से स्वतंत्रता की, और हमारी यात्रा का वह प्रारंभ बिंदु था। हमें यह स्वाधीनता रातों रात नहीं मिली। स्वतंत्र भारत का चित्र कैसा हो, इसकी भारत की परंपरा के अनुसार समान सी कल्पनाएं मन में लेकर देश के सभी क्षेत्रों से सभी जाति वर्गों से निकले वीरों ने तपस्या, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए।